all the respected people on the dais as well as the Pradeep Kamatji, who is the management educator, Mumbai. I welcome Jayvardhan Joshiji, Simi Mishraji, Sudhanshu Shekharji, Ayushi Dikshit, Anjali Pandit, also all of you who are going to present their papers. First of all, I would like to thank Rambhau, Mhalgi, Prabodhini to give me this chance for chairing this session. I would just like to say that in 1865, in an August gathering, the world-renowned architects had gathered in Tokyo to discuss whether a five-story building in Tokyo can be built or not. After a three-day civil discussion, they came to a conclusion that it cannot be built. Then a young architect stood up. He said, if you could give me a chance, I would like to present my views. And he presented a construction theory, construction which is earthquake resistant. And the audience was awestruck. So senior architect asked him, how did you do this? So he said that you all had come to prove a point that a five-story building cannot be built. And I have come over here to prove a point that it can be built. The same is with the single-use plastic elimination. When you discuss this, everybody says that it cannot be eliminated. But we are here to discuss, yes, it can be eliminated. So here, I give you this chance. माइक यूज करने जाऊँ तो इससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। ये जो विषय है, जिस विषय पर मैं प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूँ, इसका शीर्षक है मेकिंग मिशन इंडिया सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री पॉसिबल। देखिए, एक मूवी आई थी जिसका नाम था मिशन इम्पॉसिबल, पर ये मिशन इम्पॉसिबल नहीं, वी हैव टू मेक दिस मिशन पॉसिबल एंड इट इज पॉसिबल। And for that purpose, some perspectives. Perspective. What are the challenges? And what are the more important is what are the actions to be taken? I think that is what we will try to examine in the short period of time that it is there. Now I will take it further in terms of See, there is a body that is the leading global body. A leading global body hai, jo ग्लोबल एजेंडा सेट करती है और इस बॉडी ने डिफाइन किया है कि एक उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट आया था 2018 में सिंगल यूज प्लास्टिक रोड मैप फॉर सस्टेनेबिलिटी जहां पर उन्होंने लिखा था सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब क्या है यानी एक ही बार जो यूज किया जाता है या एक जिसको डिस्पोजेबल प्लास्टिक से बोलते हैं और ये वहां पर उन्होंने एक उदाहरण भी दिए थे कि क्या है वहां ग्रोसरी बैग्स फूड पैकेजिंग बॉटल्स स्ट्रॉ कंटेनर कप्स एंड कटलरी ये जो आइटम उन्होंने नमूद किए थे इसमें कि ये व्हाट इट रियली कॉन्स्टिट्यूट्स तो रियली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज दिस प्लास्टिक नॉट द अदर प्लास्टिक दैट वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ दैट कैन बी एलिमिनेटेड तो ये एलिमिनेट करना है या मिनिमाइज करना है या मैनेज करना है कल इस पर काफी बातचीत हुई काफी चर्चा हुई और ये बात है कि टाइप्स ऑफ प्लास्टिक जब ये बोलते हैं तो उसमें काफी टाइप के पास बट पर ये बिफोर दैट लेट मी पुट इट व्हाट आर द 9 रीजंस फॉर रिफ्यूजल 9 रीजंस जो है कि इट इज मेड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स लार्ज कार्बन फुटप्रिंट इज देयर विल बी हियर फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स पॉसिबली इन सर्टेन केसेस थाउजेंड्स ऑफ इयर्स कहां पर जाता है और डिग्रेडेशन नहीं होता है और वही वही रहेगा इट विल रिमेन जमीन के अंदर तो जमीन के अंदर ही रहेगा और मोर देन दैट ओशियन के अंदर है तो ओशियन के अंदर ही रहेगा और डिग्रेड ये नहीं होगा उसका खत्म नहीं होता है और दैट लीड्स टू प्रॉब्लम्स सो ओनली टाइनी परसेंटेज ऑफ दैट इज रिसाइकल्ड एंड सो ऑन एंड सो फॉर पोल्यूशन इट विल किल द मरीन एनिमल्स इट विल किल द बर्ड्स विच आर देयर एंड अल्टीमेटली ऑल्सो द पीपल विच आर सो दैट इज नॉट पॉसिबली वी नीड टू कीप इन माइंड नाउ सिंगल यूज प्लास्टिक पर क्या है ये एक चित्र जो उसका ये एक प्लास्टिक जनरेटेड इंडिया परसेंटेज वाइज दिया हुआ है और यहाँ पर ये देखिए एक एक बंदरगाह है और इस बंदरगाह के आसपास में जो कूड़ा मचा हुआ है जो जो कचरा जम गया है और वे ऐसे बहुत सारे बंदरगाह वहां पर है ये शायद अलंग के आसपास का चित्र है जहां पर शिप ब्रेकिंग एक्टिविटीज की जाती है गुजरात में बट All my paper presenter colleagues okay, to confine themselves within the given time limit. So as we are having six presentations and we must proceed for our following session in time. So I am saying that I can give only 10 minutes time to each presenter.
So let us follow the discipline, okay? As now I am at the central, when the time is up, okay, I likely to be stand. So when I am going to stand, it is a signal that you must be safe. Yeah. So joke apart. Because unless we confine ourselves within the time, we will not deliberate upon. And probably your presentation should stimulate. So I will go with my left hand, as my arc is beating from this side. So I will go with the Mohamadji. Hum log aage baithte hain and you start from here. Is it okay? I would like to thank on behalf of million thousands of young people working with me in Kerala, to the organizers of this national convention on elimination of plastic, for giving me this opportunity to present this case to you. So let me begin with saying that the elimination term is missing from this paper. You can't see the word elimination in any slide of my presentation. So that is the first thing. And the second one is, this is not just about plastic. Just by hating plastic or doing something against plastic, we cannot achieve environmental sustainability, or we cannot address all the issues that we have been facing over the years about the pollution or the mismanagement of earth resources. So it's not just about plastic. Our objective is not just against elimination of plastic, or just, this is about making environmental citizens for a sustainable future. So so this is the activity. So on the right side, so when you see this picture, you see some steel bottles, one minister is distributing steel bottles, so you have a sense that this is something about distributing steel bottles, but it isn't. This is just a gesture, or this is just a, you know, something that people can do, some actions, but between those campaigns and activities all across Canada, and we have some chapters in Puducherry and Bangalore also, but those are not that active, but we have presence in places. And we have one of these from Andhra Nicobar also. Those meal bags which are thrown into landfills get maggots if they are not properly washed, or so they are not picked up by the rag pickers. And so what can be done? It is like the rag pickers, we can see the circular economy in this. Teach them, we can educate the youth by making this, and we can run some craft workshop to educate the women and the youth, so they can also get empowerment through it. And the milk bags can be reused and repurposed. Right. So how can we reuse the milk bags? We can make icing box out of it. In sports, we need ice bags. So we can, and we are the largest milk producers, and we are talking of it. This is the example how we can make a cloth box out of a milk bag. When we talk of recycle, the styrofoams which are traded as the name of expanded polystyrene, EPS, it is recyclable, but it has multiple layers, so it is a bit difficult to recycle it. So if we recycle styrofoams, we can also get good amount of out of it. There are two processes, and the best process is to use limonene. The limonene is the natural solvent made out of orange peel. Through that melts the plastic styrofoam and reduces to its size of 5%, which can directly be used. And through that we can also it looks, when it is recycled, it looks like wood. So we can also make benches, we can make fences, and we can save the cost, and we can save the wood as well. Nice. Treaters redeem 8 waste PET bottles into landfills and reduces pesticides usage by 50%. So it is environment friendly as well as. I would like to call Dr. Chhibber to welcome you. Thank you. Should I come there or I can speak from there? Your wish. Just hold on.
So, Mr. Jagannath Kashyap is pursuing a PhD on political science from University of Delhi. He is authored on socio-economic, social-political issues in different journals and magazines. His articles are published in Yojana and Kurukshetra, which is monthly from publication division Government of India. So, Mr. Jagannath Kashyap. Other present dignitaries and my dear colleagues. First of all, a very good morning to all of you. And I would like to apologize because I have not come with PowerPoint presentation because I was involved in my research work. And thank you to Rambhau Mhalgi for sending invitation to young scholars like us so that we can come and sit at par with some great experienced persons. So I would like to begin. Since I'm not a person with science background, so I will not go into those details. And our knowledge level has been enhanced after attending the standard session, which was quite factual as well as lots of arguments to the experts. Actually, when we came here, we had a notion in our mind that we have to say no use to plastic. But after hearing standard session, it's like a balance now. So I would like to start with my title of the topic, which is Government Initiative of No SUP and the Role of Self-Help Groups in Realizing Gandhi's Conception of Gram Swaraj. Since my PhD topic is related with self-help groups, so I have tried to see the entire things from that lens and try to correlate this. Actually, what I have majorly tried to see that it is said that normally when we say that no use to SUP, it means a large proportion of job loss. As the figures were given study that what level of economy this plastic holds. जैसे कि बताया गया था कि 3.5 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2019 जो टर्नओवर था प्लास्टिक इंडस्ट्री का वो था. तो बट अगर हम उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से इफ वी सी तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इट विल बी द एब्सोल्यूट लॉस, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि इट विल बी अ काइंड ऑफ शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स. अगर हम उसके लिए कोई अल्टरनेटिव लाते हैं तो दैट वर्कफोर्स कैन बी शिफ्ट. व्हाट विल बी रिक्वायर्ड इज प्रॉपर ट्रेनिंग and proper knowledge of the other techniques which we are introducing. So I have used the self-help group as a special purpose vehicle for this entire things. Kyunki abhi hum sir, I spoke to the different district level officer. There is a project called Jivika in Bihar, which is run by the state government with the help of UN. That actually targets to create self-help group, and they are targeting to associate almost 1.5 crore women from the upcoming years through this self-help group. That entire project is called Bihar Rural Livelihood Project and Society. So yeah, what I was saying that and how I have correlated Gandhi. What was the dream of Gandhi? Our beloved Prime Minister said from the airport that we are celebrating 150th birth anniversary of the Mahatma Gandhi. So it is onus for us to somehow, at least we cannot achieve fully, then somehow we should march in the direction of the dream of Mahatma Gandhi. What was ऐसे भी product निकल के मैं example को आगे quote करूँगा, कुछ ऐसे भी product निकल करके आएंगे, which will be viable, not economically viable and technologically feasible also, क्योंकि उसमें बहुत elementary technology की जरूरत पड़ती है. और उससे क्या होगा कि एक बड़े section को जो कि गांव में है, वहाँ हम job creation कर सकते हैं. So अगर हम देखें तो सिंस अगर हम प्रोडक्शन ऑफ टेक्निक की बात करें तो बेसिक ब्रॉडली देखें दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंड लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी. कल तक हमने कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन किया है. सो आई थिंक नाउ वी शुड सी इट फ्रॉम द लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, क्योंकि गांधी भी कहते थे कि इन ए कंट्री लाइक इंडिया विच इज डाइवर्स एंड सो पॉपुलेटेड वी मस्ट थिंक फॉर दोज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी विच आर लेबर इंटेंसिव अंटिल एंड अनलेस इट बिकम compulsion to go for capital intensive technology, because we need those modes of production which can absorb the largest number of population jinko hum job provide kar sakte hain through this mode. So Bihar is running a program called Jal Jeevan Haryali, and see how they have associated two programs together, which is at least production has already started, which is seeing very useful in bringing a product which is a very impressive alternative to the plastic product. So I see that leaf plates have been acquired by plastic plates.
तो ऐसा नहीं कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं था, हमारे पास ऑल्टरनेटिव था बट वी शिफ्टेड टू दिस वन. हो सकता है वो चीपर हो, या हो सकता है वो चीपर इसलिए लगने लगा हो क्योंकि हमने अपने लेक्स और पॉन्ड्स को खत्म कर दिया गांव में, तो हमारे पास वो चीजें नहीं जिनसे हम उन्हें बढ़ा सकते हैं. सो नाउ सिंस दिस इन दिस प्रोजेक्ट ऑफ जल जीवन हरियाली दे आर क्लीनिंग देयर पॉन्ड्स एंड लेक्स इन द विलेजेस. ये उनका प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ बिहार का. So then when it is toilet comes, there is no facility in the community. There is no single toilet. Just imagine 109 women are staying, 109 men are staying, around 390 people are staying in the community. This is not only Iblur community, most of the slums in Bangalore it's like that only. And when it is comes to the empowerment, as I already declared 25% of women are not having any jobs, and the SUP part, it's the major part we need to be discuss about that. We absorb like the 107 hats people are generating per month 1200 bags, and the overall weight was like 6.42 kg they are generating every month. So we decided why we can't change this all the issues. The first we taken a Helios project, the green energy initiative. 24 solar light we installed in the community. Through this 13.9 tons of carbon dioxide it's reduced, and 6.2 K liters of kerosene we saved. Now we can probably say like 100% huts are having like basic electricity in our community. And coming to the ozone environmental initiatives, we started here removing the polythenes. The day by day they are using plastics and it comes around 6.2 kg of weights. So we decided like 25% of women are not having any work. 10 women we selected, we started training them in tailoring. As a tailoring wise, basically they can start with the back stitching. Going forward, they can start other products also. So now in our community, around 10 women are working every day. They are started teaching 200 bags. Each bags we are paying 2 rupees. So they are started earning 400 rupees per day. So almost like the revenue generated to the community per day, 4000 they are getting, 10 people. So this is our 5 years plans. Every organization we have the detailed planning to execute. So the first year 2019 we started with a trial or pilot project you can call. 5 women we targeted by, but now we are in 10 women. We are with the 5 women we targeted 2.88 million cloth bag manufacturing and reducing 86 tons of SUP to the land. So going forward in 2024, we are targeting totally 69 women will be working with us totally. With the help of 69 women, we can make a 38 millions of bags and 1,157 times SUP can be this fancy number if you want to achieve these fancy numbers. The main is coming to the sales part. So sales is the biggest issues. We are making 2,000 bags per day, but we can able to sell only 500 bags. Because the bag cost is 25 rupees bags instead of buying, choosing like 50 paise bag. So 50 paise bag has other advantage. Same way, this is has some advantages. So this will create a employment. The same way, 50 paise bag also having options to create employment ability. But 50 paise bag creating manufacturing unit needed lot of money, and setting like slum it is difficult. But this kind of the model it will be very unique for the slum community like which one we are working. So list of the products is coming up. So as a proud Indian, this is your decision. Instead of telling our nation our decision, we have to be taken responsibility by our own self. Let's change start from us. Thanks. Good. So the 16th century, we had two presentations from basically a south direction, and to make a global balance or to make at least a balance of our country, I wish to call a person from central India. We have Dr. Neela Kamath and Pradeep Kamath. Okay, they are also young by attitude. Don't look at his hair. Yeah, young is not something with the physical phenomena. This is something with the attitude. This is a research-based paper. Yes, please. Research-based paper. एक कहावत है, बंदर बूढ़ा होता है तो भी छलांग मारना नहीं भूला. कई लोग उसे गुलाटी बोलते हैं, but कोई बात नहीं. Well, so the impact
of plastics, and if we eliminate single-use plastics, where are we going to stand as a society, and what's the impact that we will have on jobs at present, and what is the impact that we will have on the industry? So, कल आपने कई लोगों का सुना, especially you know people who came from the industry, who said that the use of that word elimination is wrong. It should be management. Some people, other people came and said that no, plastic is not you know a harmful thing. The speaker before me called it a miracle, you know, a miracle substance. And I myself believe that you know पांच तत्व हमारे को जब हम पैदा हुए थे इस धरती पर मिले थे. अब अगर हम देखें तो मेरी छठवां तत्व प्लास्टिक है. इट इज सो यूबिक्यूटस जिसे कहते हैं हर एक जगह हर एक रूप में सुबह से शाम हम किसी न किसी फॉर्म में प्लास्टिक को यूज कर रहे हैं. जो कुर्सी बैठी है जिस पे आप बैठे हैं प्लास्टिक की है. जो चप्पल पहनी है उसके नीचे का सोल प्लास्टिक का है. जो सुबह उठ के हम ब्रश करते हैं वो प्लास्टिक से करते हैं. और जो टूथपेस्ट आती है वो भी प्लास्टिक के अंदर ही एक ट्यूब में होती है. तो प्लास्टिक को निकालना अपनी जिंदगी से इतनी आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है. और इंडस्ट्री स्पेसिफिकली बहुत डरी हुई है और हम भी डरे हुए हैं, क्योंकि उसमें अगर हमने सिंगल यूज प्लास्टिक को फटाक से एक ही बारी में बैन करके हटा दिया तो इम्पैक्ट आएगा हमारे जॉब्स के ऊपर और इम्पैक्ट आएगा हमारी इंडस्ट्री के ऊपर. यही इंडस्ट्री दो साल पहले पता नहीं कितने मिलियंस एंड बिलियंस का लोन लेके कितनी ही मशीनरी को लगाया. अब सडनली क्या है कि दे वुड बिकम जॉबलेस. एक फैक्ट्री बंद होने से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी फैमिलीज को इफेक्ट होता है. नॉट ओनली द फैक्ट्री वर्कर या जिनका वो फैक्ट्री है बट उनके आगे के उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स, सब पे इम्पैक्ट आता है. तो अगर ये सवाल उठ रहा है आज कि क्या होगा इम्पैक्ट इंडस्ट्री के ऊपर, तो वो मेरे ख्याल से गलत सवाल नहीं है. और हम लोगों ने आज बैठ के यहाँ पे यही चिंतन करना है कि इसको हम कैसे हैंडल करें. जैसे कि अगर आप सोचें कि जब कंप्यूटर्स आए थे तो सब लोगों ने क्या बोला था कि कंप्यूटर्स आएंगे तो इंसान तो बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा. यू थिंक दैट इज ट्रू टुडे? आपको क्या लगता है कि कंप्यूटर्स के आने के बाद हम सब लोग मतलब जॉबलेस हो गए? नो, वी गॉट जॉब्स. इनफैक्ट वी गॉट मोर जॉब्स देन वी हैड अर्लियर. हम लोग पहले जॉब्स क्या करते थे, सिर्फ इंडिया की टाइमिंग में ही करते थे. अब यहाँ से बैठ के हम यूएस का भी काम करते हैं, यूके का भी करते हैं, अफ्रीका में भी देखते हैं और यूरोप में भी देखते हैं. तो हमारे जॉब्स मेरे ख्याल से इंक्रीज हुए हैं, डिक्रीज नहीं हुए हैं. तो आज जो मैं फेस करने जाने वाली हूँ दैट इज अगेन अ व्यू पॉइंट जो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी रिसर्च करके बताया हुआ है. बट आई जस्ट वॉन्ट टू काइंड ऑफ प्लेस दिस व्यू पॉइंट टू से दैट देर इज नथिंग टू बी स्केयर्ड अबाउट. देर इज नथिंग टू बी काइंड ऑफ यूर सीइंग दैट ओ ये एलिमिनेट हो जाएगा तो हम पता नहीं बेघर हो जाएंगे. इसको कैसे लेके जाना है, क्या रोड मैप है, किस तरह से मैनेज करना है, that is what I will be talking about and I will take a case study to kind of you know walk you through this. So a little bit about myself. I come from Connecting Dreams Foundation. It is a co-organizer of this particular convention and we work on sustainable development goals. United Nations ne hame 17 different type ke sustainable development goals diye hain. Ye ek framework hai aap samajhiye ya ye ek tarika hai dekhne ke liye कि हम अपनी जिंदगी. नाउ द स्पीकर बिफोर मी टॉक्ड अबाउट सम माउंटेंस. सो ये एक पहाड़ है जहाँ मैं भी जाती हूँ और मुझे दिखता भी है. और ये पहाड़ इज नॉट एनीवेयर, यू नो इट्स नॉट लाइक मुंबई का पहाड़ या हिमालय का पहाड़ है. ये पहाड़ मेरे दिल्ली में है. आई कम फ्रॉम दिल्ली एंड देयर इज अ प्लेस कॉल्ड गाजीपुर जहाँ पर ये पहाड़ मुझे दिखता है. और ये पहाड़ शायद आपको बहुत खूबसूरत लग रहा होगा पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो घुमाव वाली रोड बनी हुई है और वो कितना ऊंचा है. ये पहाड़ कोई गेस कर सकता है इसका नाम क्या है? इट्स अ लैंडफिल. इट्स एम्बैरेसिंग. इट्स एम्बैरेसिंग टू सी कि ये कचरे का पहाड़ है. और ये कचरे का पहाड़ इतना बुरा है कि इसके आसपास अगर आप 5-7 किलोमीटर की दूरी से जाएंगे तो भी आपको रुमाल नाक के ऊपर रखना पड़ता है. इसके ऊपर ऑल काइंड्स ऑफ वल्चर्स वगैरह घूमते रहते हैं. ट्रक्स जाती हैं, आप देख सकते हैं रोड बनी हुई है. और पूरे टाइम में इसमें कभी ना कभी आग लग जाती है. कभी एक बार ऐसा भी हुआ था कि ये कोलैप्स हो गया और 2-3 लोग मर भी गए इसमें. तो ये कचरे का पहाड़ इतना ऊंचा हो गया है अब कि
अच्छा इसमें मैंने शायद डालना भूल गई, तो ये आज गए हुए हैं। अगर आपने देखा है ताजमहल, ताजमहल को यूं करके देखना पड़ता है, ये ताजमहल से ऊंचा है और ये ताजमहल से करीब 5 गुना बड़ा है। इतना कचरा हाँ दिल्ली के शहर में, दिल्ली के शहर में ऐसे 3 लैंडफिल्स हैं, ये ओल्डेस्ट है, ये यहाँ पे है। तो आप सोच सकते हैं कि ये किस तरीके से प्रदूषण फैलाता है, स्मेल आती रहती है, डिजीजेस फैलाता है। बरसात होती है तो ये ओपन है, तो बरसात होती है तो उसमें से पानी जब रिस के निकलता है, यू कैन इमेजिन आसपास के शहर में ये कितनी तबाही फैलाता है। कैंसर, वाटर बॉर्न डिजीजेस, मल्टीपल डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस, सब चीज़ें ये लेके हमारे पास ये जहर क्या पानी आता है। और ये पानी ही फिर यमुना के अंदर भी बहता है, और यमुना से वो दिल्ली से लेके पता नहीं कहाँ कहाँ तक वो लेके जाता है ये प्रदूषण अपने साथ। सो आई थिंक ऑल द स्पीकर्स बिफोर वी हैव काइंड ऑफ टॉक्ड अबाउट इट, इज अराउंड 11 kgs फॉर एन इंडियन। अगर देखा जाए तो इंडिया का मतलब वो मेरा थोड़ा सा पुराना डेटा पॉइंट है, तो इट्स ओनली 9.7, बट इट इज अराउंड 11 kgs पर ईयर ऑफ प्लास्टिक दैट यू एंड आई आर यूजिंग। बहुत कम है, हमारी आदत है हम रिसाइकल करते हैं, कोई भी चीज़ टूट जाएगी हम बोलेंगे अच्छा चलो ये बाल्टी का कुछ टूट गया, चलो कोई बात नहीं इसको पोछे के लिए रख लेते हैं या इसको डस्टबिन बना देते हैं। हम जनरली फेंकते नहीं है, एज अ कल्चर वी हैव दैट राइट। बहुत सारे जोक्स भी सुने होंगे आपके ऊपर इस टॉपिक के ऊपर कि हम कोई भी चीज़ कभी भी एक बारी में फेंकते नहीं है, इंडियन की मेंटालिटी ही ऐसी है। लेकिन अगर हम देखें कि भाई US में वो जो ही पर कैपिटा मतलब कि पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक जो है वो बहुत हाई है, ब्राज़ील में भी 32% है, बट फिर हम वायर भी वायर हम तो बहुत ही कम यूज करते हैं। पॉपुलेशन इज द प्रॉब्लम, पॉपुलेशन एंड द डेंसिटी दैट वी हैव एंड द फैक्ट दैट हम लोग उसको मैनेज नहीं करते हैं, हम उसको फेंक देते हैं। तो इस चीज को लेके वी आर काइंड ऑफ यू नो वरीड। नाउ ये जो प्लास्टिक हम यूज करते हैं, जो स्पेसिफिकली सिंगल यूज प्लास्टिक है, ये कहाँ है, वेयर इज द सिंगल यूज प्लास्टिक? सो सिंगल यूज प्लास्टिक अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा 47% ऑफ इट इज इन द पैकेजिंग इंडस्ट्री। कोई भी चीज आज अगर हम लेते हैं तो उसको प्लास्टिक के अंदर हमें मिलता है। आप एयरपोर्ट पे जाएंगे एक न्यूज़पेपर भी खरीदेंगे या एक मैगजीन खरीदेंगे, वो भी आपको प्लास्टिक के अंदर मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो दे डोंट वांट इट टू बी सॉलिड राइट। कल कोई एग्जाम्पल दे रहे थे, आई थिंक इट वॉज विजय हबू ओनली, वो सेइंग कि जब बरसात में हमारे बच्चे जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो अपने सर्टिफिकेट्स को बरसात में बचाने के लिए दे आर कवरिंग इट इन प्लास्टिक। तो प्लास्टिक वी कैन नॉट काइंड ऑफ से दैट यू नो लाइक हम इसको एलिमिनेट करेंगे, बट मोस्ट ऑफ इट इज कमिंग फ्रॉम ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजिंग। तो अगर इस पैकेजिंग को हमें हटाना है, फॉर एग्जाम्पल आई रिमेम्बर जस्ट यस्टरडे आई ओपन अ बिग पैकेट ऑफ बिस्किट, उसके अंदर से 2 छोटे-छोटे रोज ऑफ बिस्किट्स निकले, each one of it is individually packaged in another piece of plastic. तो मेरे मन में वो ख्याल आया है। Economic instruments, ban and levy both, दोनों भी हम कर सकते हैं। Next, now the solution. Okay, I have just 1 minute, so I'll just touch it from outside. First is know the baseline. Problem क्या है? कौन-कौन से प्रॉब्लमेटिक सिंगल यूज प्लास्टिक है, सबसे पहले तो उसके ऊपर हमें रिसर्च करना है। उसके बाद इवैल्यूएट द पॉसिबल एक्शंस, उसके ऊपर हम कौन कौन से पॉसिबल एक्शंस इवैल्यूएट कर सकते हैं। देन द एसेस इंपैक्ट्स ऑफ प्रीफर्ड ऑप्शंस, जो जो ऑप्शन हम डिसाइड करें उसका लॉन्ग टर्म कीप एंड इन द माइंड, देयर इज अ वन हैबिट ऑफ द स्टीफन कोवे, कीप एंड इन द माइंड, तो वो हमें ध्यान में रखना है। देन एंगेज ऑल द स्टेक होल्डर, जैसे कि मैंने बोला है पॉलिसी पब्लिक से आना चाहिए, so first we need to engage, this is also one of the instrument of such kind. Then raise awareness, promote alternatives, incentives industry, this is very important. So industry ko thoda tax rebate aur wo sab milna chahiye in the early stage, they you know bureaucracy ka issue bahut hi part hai, aur sach mein kitna bhi acha modi ji policy banayega na, agar bureaucrats sachche dil se usko aage nahi badhayenge, it is of no use, no, not a single use. Then the ring fence revenue, and we they need to have some enforcement of particular that we need to set the priorities, and then the monitor and adjust policy. Agar koi monitor karke adjust karta hai policy ko, jaise ki GST hai usme aage jaake adjustment hua, uska matlab ye nahi hai ki sarkar ne aise hi bana diya tha, sarkar abhi bhi uska dhyan rakh rahi hai. So that is all from my side. Next,
मोदी जी बोल रहे हैं आप जो गुजराती में बाय बाय बोलते हैं और ऐसा भी बोल रहे हैं कि से नो टू प्लास्टिक. थैंक यू सो मच. There is no agreed, commonly agreed definition about what single-use plastic is, but it is used for packaging and include items intended to use only before they are thrown or recycled. These include, for example, grocery bags, food packaging, bottles, straws, containers, and cups. What is basically done by India and other countries will be discussed by me in this subject, in this paper. Since 1950s, the production of plastic has outpaced that almost every other material. Much of the plastic we produce is designed to be thrown away from being used only once. As a result, plastic packaging accounts for about half of the plastic waste in the world. Most of this waste is generated in Asia, America, Japan, and European Union. Are the world's largest producer of plastic packaging waste per capita. Only 9% of the 9 billion tons of plastic the world has ever produced has been recycled till now. Most ends up in landfills, dumps, or in the environment. If current consumption patterns and waste management practices continue, then by 2050, there will be around 12 billion tons of plastic litter in landfills and environment. These are the waste production of a throwaway culture that treats plastic as a disposable material rather than valuable resource to be harnessed. We do not talk about recycling, we only talk about elimination. That is the culture which we have developed. Now we look at the economic damage which plastic waste has done. Plastic litter in the Asia-Pacific region alone counts its tourism, fishing and shipping industries $1.3 billion per year. In Europe, cleaning plastic waste from coast and beaches cost about 630 euro million per year. Studies suggest that total economic damage to the world's marine ecosystem caused by plastic amounts to at least $13 billion per year. The economic, health and environmental reasons acts are clear. Now, what have been done by international community, United Nations, and what conventions have took place will be discussed. There have been various conventions which took place. First one is Basel Convention, which focused on controlling transboundary movement of hazardous waste from their disposal. The International Conference for the Prevention of Plastic from Ships happened in 1973, specifically prohibits on the disposal of plastic from the ship. Then Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants was to regulate the production, use and disposal of additives used in the manufactures of plastic to the extent to which they are persistent organic pollutant. According to a report by UN, United Nations Environmental Programme, many countries around the globe has taken steps in form of complete ban on single-use plastic or even introducing hefty amounts or even lawful custody to someone. And stand on ban on single-use plastic with many states already have been imposed a ban on specific plastic products. A national level ban was imposed on SUP by PM, but it will be phased out by 2022. What individuals have done on this regard is Professor Rajgopalan Vasudevan, a professor from chemistry at Hyderabad College of Engineering, Madurai, also known as India's plastic man, has created a stone block with a plastic coating known as plastone. Each plastone block comprises 300 plastic carry bags and around 60 PET bottles. Successfully led by district DM Supriya Sahu in Nilgiris, Tamil Nadu, to ban the use of plastic in the district. The campaign was crucial to unclog the river sources and springs in the hill station of Nilgiris. This experiment has been recognized by and appreciated by Planning Commission and UNDP as a best practice on governance from Indian states. The campaign used pictures of choking animals. They also explained how plastic blocks drained and also slipped into the lake and other water bodies. Globally, various initiatives have been started by MNCs as well as to tackle problems caused by single-use plastic. Coca-Cola has announced its sustainable strategy wherein the recycled content in the bottles will be increased from 25% to 50% by the year 2020. Similarly, PepsiCo, Amcor, Unilever have also pledged to convert 100% reusable, recyclable or compostable packaging by 2025.
what are the usages of, what are the alternatives of plastic bags? There can be three bags which can be used of jute, paper bags, biodegradable bags, and reusable bags. Commonly, jute bags are recommended as an eco-friendly, environment-friendly alternative to plastic bags because the bags are made from biodegradable material which comes from a plant fiber called jute, mostly from Ranchi, 44 kilometers from district headquarters. So, ये है हमारा पर्यटन स्थल, वहाँ पर कचरा का डब्बा लगाया है मुखिया ने वहाँ, और पुष्पा गुड़िया नाम है उनका, और ये देखिए उन्होंने बोर्ड लगाया है, बोर्ड में पूरे नियम लिखे हैं, पर्यटन मित्र है, आदिवासी युवा वहाँ काम कर रहे हैं खुद वॉलंटियर के रूप में, पूरा नियम लिख के लगाया है, पीछे देखिए भीड़ दिख रही है पर्यटकों को। ये देखिए बच्चे वहां पर खा रहे हैं पत्तल, आनंद दे रहे हैं। पत्तल आ रहे हैं, देखिए पत्तल पत्तल छोड़कर यहाँ पर दीज आर हैबिट्स। हमारा जो हैबिट है हमारे पास अवेलेबल है, वी आर ऑलरेडी अवेलेबल अल्टरनेटिव देयर, बट वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दीज अल्टरनेटिव्स। We are not going to use them. ये हमारा माइंडसेट ऐसा हो गया, अरे हैबिट ऐसा हो गया हमारा कि हम बगल में हमारे पास अवेलेबल है, हम यूज नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ इस पर्यटन स्थल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसको आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना नहीं चाहते हैं। ये हमारा माइंडसेट और हैबिट हमारा हो गया, मैं यही बताना आपको चाह रहा हूँ। देखिए किस ढंग से कचरा वहाँ फैल गया, कितना सुंदर साइट है, किस ढंग से चलते गाड़ियों पर लोग आ रहे हैं, कचरा किस ढंग से फैल गया कर जा रहे हैं। देखिए देखिए खाना बना रहे हैं, किस ढंग से कचरा इस जंगल में, इस ढंग का कचरा, ये जो वहाँ पर वन्य जीव है और जो फॉरेस्ट के लिए है, जो पशु पक्षी है, हमारे लिए तो खतरनाक है, उनके लिए भी खतरनाक है। हम बड़े शहरों की बात करते हैं, समुद्र की बात न करें, इस रिमोट एरिया जो हमारा इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाला हमारा जंगल है, उसके साथ हम क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। कल आदिवासी अगर वहाँ पर बैनर लगा दें कि हम घुसने नहीं देंगे तो ये नेशनल न्यूज बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन व्हाई दे आर प्रोटेस्टिंग, वी विल हैव टू थिंक ओवर दिस। ये हमारा देखिए विकल्प है हमारे, ये ऊपर फाउंड का प्रॉब्लम हो गया, ये पत्तल है, पत्तल जो बना के बेचते हैं, केले के पत्तों में हम लोग खाते थे, 2000 प्रकार के पत्तों पर खाने की हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में चर्चा है। और देखिए ये बांस के बने कितने सुंदर चम्मच हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हो सकता है 50 पैसा ज्यादा लगे, हम लाखों किलो हजारों किलोमीटर दूर लाखों रुपया खर्चा करके जाते हैं, 1-2 रुपया हम खर्च नहीं कर सकते पर्यावरण के लिए। आफ्टर वो दीज आर ऑल आर गोइंग टू रिपेयर अस एज पर इन रेस्पेक्ट ऑफ आवर हेल्थ। देखिए बांस के बने कितने सुंदर गिलास है, ट्राइबल्स बनाते हैं हमारे झारखंड में, ये देखिए दौरा, ये बोतल है प्लास्टिक इसके बांस के, इनको भी यूज कर सकते हैं। ये बेंत के बने डलिया जो सब्जी हम ला सकते हैं, पहले लाते थे बुझाते छोटे में बेंत के थैले प्लास्टिक के डलिया में सामान रखने की परंपरा थी हमारे यहाँ। देखिए मिट्टी के जो गिलास हैं कप हैं उनको यूज करना छोड़िए, आप कहीं भी ट्रैवल एरियाज में जाएंगे दे आर गिविंग टी इन प्लास्टिक, वो उनको पता भी नहीं है, लेकिन वो एक उसको एक समृद्धि का इसको अपना समृद्धि का आगे बढ़ने का इसको आधुनिकता का ये मानकर चल रहे हैं, इसलिए यूज कर वो उन लोगों ने भी यूज शुरू कर दिया है। देखिए कितने सुंदर प्लेयर्स है, और मैं अब हो चुके हैं, भविष्य के संकट की कोई परवाह नहीं हमें, सहज विकल्प के बावजूद प्लास्टिक का मोह हम छोड़ नहीं रहे, स्वास्थ्य और पर्यावरण के खतरों के प्रति हम बेपरवाह क्यों हैं,
प्रकृतिक पूजक आदिवासियों की चेतावनी हम सुनना क्यों नहीं चाहते? क्या हम प्लास्टिक के खतरों के प्रति जागरूक नहीं, या जानबूझकर हम अपनी मानसिकता और आदत बदलने को तैयार नहीं? ये संभावनाएं जो है एकल प्रयोग प्लास्टिक पर कुछ इलाकों में, पूरे देश में प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, कुछ इलाकों में जरूर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जैसे ये फॉरेस्ट एरियाज में हमको प्रतिबंध लगाने चाहिए, हमको नदी के पास वाली जो हमारी परंपरा थी नदी को, क्यों हमारे हमको अपनी संस्कृति में जब बैठ जाएंगे तो हमको देखना चाहिए कि नदियों को पूज्य कहा गया है, पेड़ों को पूज्य कहा गया है, घर में तुलसी लगाने की परंपरा है रही है, पत्तल में खाने की परंपरा गई है, पत्तल में औषधीय गुण होते हैं, उन पत्तल के औषधीय गुण भोजन के साथ हमारे पेट में जाते हैं, प्लास्टिक के पेट में खाएंगे तो रसायन हमारे पेट में जाएंगे। पेड़ों के मैं छोटा सा सवाल पूछता हूँ, तुलसी हर घर में लगाते हैं, हिंदू है तो भी भारत में रहने वाला हर परिवार लगाता है, मैंने कई क्रिश्चियन मुस्लिम परिवारों में तुलसी लगाते हुए देखा है। आखिर तुलसी इतना पूज्य क्यों है? एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, क्या गुण नहीं होता है उसमें? होता भूत भगाने का, भूत क्या वायरल फीवर ही भूत होता था पहले। तो तुलसी में इतने सारे गुण है, उनको घर में लगा के वो जब जल देते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ता है, वो परंपरा इसलिए बता रहा हूँ कि प्लास्टिक के पत्तल में खाने की परंपरा, नदियों को पूजने की परंपरा, पेड़ों को पूजने की परंपरा, इसके सारे पीछे भारतीय संस्कृति में वैज्ञानिकता है, साइंटिफिक रीजन है, हम इन साइंटिफिक रीजन को छोड़ दे रहे हैं। नदी में हमको धर्म के आधार पर जोड़ना होगा नदी को, कि नदी को गंदा करेंगे तो पाप लगेगा, तभी सामान्य आदमी उसको गंदा करने से बचेगा। ये तो हम देखते हैं घर में पूजा करते हैं और पॉलीथीन में ले जाकर उसमें नदी में डाल देते हैं, घर में पूजा कर रहे हैं और नदी को पूज्य मानते हैं, माँ गंगा मानते हैं, माँ यमुना मानते हैं, नर्मदा की पूजा करते हैं, स्वर्णरेखा की पूजा करते हैं और हम उसको गंदा कर रहे हैं। ये धर्म से इसलिए जोड़ा गया किसी चीज को वैज्ञानिक कारण होते हुए भी कि सामान्य जन उसको आसानी से समझ सके। मेरे ख्याल तो उस पर हमको बहक जाने की जरूरत है और उससे जोड़ के उसको बताने की जरूरत है कि तुमको इससे पाप लगेगा, पाप लगेगा मतलब तुम्हारे लिए खतरनाक चीज है, जो खतरनाक चीज होती है उसी से पाप लगता है, ये सामान्य जन को हमको समझाने की जरूरत है। तो मानसिकता और आदतों में बदलाव और विकल्पों को प्रोत्साहित करना है हमको, इको फ्रेंडली विकल्प है पत्ता, बांस, बेंत, मिट्टी और कई अन्य चीजों से बने चीजें हो सकती है, ये इको फ्रेंडली ये है, मैंने ये दिखा दिया, मैं लास्ट में आ रहा हूँ। क्या आप वनोपज से जो निर्माण करने आदिवासी जाते हैं उनको क्या प्रॉब्लम है? जो सरकारी नियम कानून है वो उनको रोकते हैं वन में पत्ता चुनने से, वन में बांस चुनने से, अभी वन घास को, बांस को सरकार ने अभी उसको घास का दर्जा दिया है, इसके पहले पेड़ का दर्जा था तो काट नहीं सकते थे, अभी हमारी सरकार ने इसको दिया है। और वन अधिकारियों का रवैया, जो कर्मचारियों का रवैया है, पेड़ काटने वाले को नहीं रोकते हैं, पत्ता चुनने वाले को वहां रोकते हैं, उनसे पैसा मांग विकास के लिए, एक व्यक्ति समाज के संसाधनों पर कब्जा करके अपना जाता। भारत में जो परंपरा रही है, यहाँ व्यष्टि समष्टि सृष्टि और परमेष्टि, व्यक्ति समाज प्रकृति और परमेश्वर सबको एकारूप माना गया है। भारतीय जो परंपरा है मन बुद्धि आत्मा शरीर और पर्यावरण, ये पांचों संतुलन में होंगे उसको स्वास्थ्य माना गया है। हमको इन चीजों पर बैठ जाने की जरूरत है। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना मेरा पहला प्रयोजन है। आतुरस्त विकार प्रसन्नम च, उसके बाद किसी में विकार होगा। 6 टाइम्स द प्राइस ऑफ एमआरपी करेंटली, यू कैन डू दैट, यू कैन इंक्रीज द यूजर चार्ज, सो पीपल विल बी फोर्स्ड टू एक्चुअली कैरी देयर ओन पैकेट्स, ओन बैग्स टू यू नो ट्रांसपोर्ट देयर गुड्स टू देयर होम, वी कैन डू दैट। द अदर वे गुड कन्वेंशन वाज स्टॉकहोम कन्वेंशन। Now this Stockholm Convention was basically the preventive blanket. It was a ban on certain pesticide and insecticide, and the number is still growing up. US is only a country which has not signed Stockholm Conference, but despite US not being the signatory of Stockholm Conference, many of the companies situated in US have actually observed the principle of Stockholm Conference. Again, this follows this Montreal Protocol Convention, the same good practices. Everyone signed, in this case, not only America is the only person, only country which has not. Everyone signed, there is a monitoring mechanism, people understand how it is bad, so there is a kind of a feeling. You know, Gandhi always said, if you want to put forward any change, it cannot be put by the pressure, but it needs to be from your own self, from your own inner drive. We need to inculcate that behavior, and that behavior needs to be summoned in our kindergarten school.
We need to teach our students, very young people, that how using plastic is not a cool thing. How flaunting Zara bags or any kind of plastic bag is not a really cool thing. So we need to inculcate that kind of behavior. Now, every brand has not been very successful in case we think so. There are cases. We are sitting here, we are having a proud Indian team, Sudhir and Senthil, Dr. Avantika Singh, Praveen Prabhakar ji, and Dr. Pradeep Kamal ji. Sir, chicken se